सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो सर बात करते हैं सीधा पुराने पोल। मेरे में सवाल ये था कि यार क्या अपने फोन में ऐप्स वगैरह को हाइड करते हैं क्या? तो आप में से 27% ने कहा है जी हाँ, कुछ कुछ हैं ऐप्स और गेम्स जिनको हाइड करना पड़ता है, और बाकी बोलते हैं 73 कि नहीं, हमारी जो लाइफ है वो एकदम खुली किताब है, फोन भी ओपन है, ऐप्स भी ओपन है, गेम्स भी ओपन है, सब कुछ पूरे फोन में। आज दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney Plus Hotstar, तीनों के तीनों, या फिर टेलीग्राम? बताना जरूर क्या आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों यार हमारे पास में नासा जो है ना, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे दोस्तों 2030 तक लूनर न्यूक्लियर पावर सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाए, मतलब चंद्रमा पे बिजली को कैसे शुरू किया जाए। भाई वहां पे दोस्तों सोचो, मतलब बिजली आ जाएगी, बाद में खंभे लग जाएंगे, बाद में टावर लग के इंटरनेट वगैरह भी आ जाएगा, मतलब क्रेजी काम हो रहा है यार। फ्यूचर में देखो हम स्पेस में खैर कहाँ कहाँ पे जा पाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ओप्पो और वन प्लस जो है ना, ये दोस्तों अपने फोन्स में लगता है कि इन हाउस चिप्स को काम में ले सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों ये TSMC के 6 नैनोमीटर्स वाले नोड के ऊपर बेस्ड होंगी, और ऐसे में शायद हमको कुछ फ्यूचर ओप्पो या फिर वन प्लस प्रोडक्ट्स में अपनी खुद की बनी हुई चिप्स जो है वो काम में आती हुई दिखाई देंगी। अब देखते हैं कि ये क्या सिर्फ कैमरा वगैरह या AI के लिए होता है, या फिर ओवरऑल पूरे फोन के प्रोसेसर की तरह इन चिप्स को काम में लिया जाता है। अगली यार खबर निकल के आती है फिलिप्स के PH2 को लेके। ये दोस्तों एक स्मार्टफोन है, मतलब फिलिप्स आप जानते हैं यार तरह तरह के दोस्तों बनाता है, होम अप्लायंसेस वगैरह बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां पे भी एक स्मार्टफोन है जहां पे काफी एक बजट फोन है जो कुछ 8,000 रुपए के आसपास है, लेकिन ये आता है HMS के साथ में, यानी कि वावे मोबाइल सर्विस के साथ में। मतलब यहां पे आपको प्ले स्टोर वगैरह वो सब प्ले सर्विसेज वगैरह नहीं मिलती हैं गूगल की, और काफी एक नो किड्स या फिर बोलूंगा तो सीनियर सिटीजंस के लिए टारगेट किया गया है ये फोन फिलिप्स का PH2। यहां पे हमारे पास में ऑटो बाइक आई है, ऑटो बाइक CR21, एक कॉन्सेप्ट ई बाइक है भाई। 230 किलोमीटर उसकी रेंज है, जो टॉप स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। मतलब दिखने में तो यार ये बहुत सही लग रहा है, और यहाँ पे दोस्तों जो पावर है वो जो 300cc की बाइक्स हैं उनके बराबर है करीब करीब। दिखने में तो भाई देखो ये बाइक बहुत सही लग रही है। वैसे किस कीमत पे आप इस तरह की एक कोई ई बाइक को लेना पसंद करेंगे, नीचे मुझे कमेंट करते हुए जरूर बताना। हमारे पास में दोस्तों वैसे यहाँ पे अभी रेजर ने एक कूलिंग फैन को बिल्ट कर दिया है नो गेमर्स के लिए, जहां पे दोस्तों इसमें MagSafe का सपोर्ट है, तो मतलब एप्पल आईफोन में आप सीधे इसको अटैच कर सकते हैं, और 6400 RPM पे घूमता है, RGB लाइटिंग वगैरह भी है, फोन को थोड़ा सा ठंडा रखेगा, और एंड्रॉयड में अगर आप हैं तो आप इसमें ऐसे क्लिप करके अटैच कर सकते हैं, अलग से एक मिलता है अटैचमेंट, काफ़ी सही लग रहा है वैसे ऐसा गेमिंग वेमिंग का मज़ा पूरा एनहांस करने के लिए। हमारे पास में अभी क्वालकॉम ने जो है वो दोस्तों अपना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का जो पूरा प्रोडक्शन है वो भैया देखो सैमसंग साथ में शुरू किया था, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ यील्ड के इश्यूज आ रहे थे, तो फिलहाल के लिए जो है वो दोस्तों मूव किया है कुछ हिस्सा उसका TSMC के लिए, जो अभी बना रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। आगे देखते हैं यार वैसे जो पूरा चल रहा है सीन चिप शॉर्टेज का, ये आखिर कब तक ठीक हो पाता है। हमारे पास में दोस्तों वैसे यहाँ पे मिस्टर मुकेश अंबानी ने बोला है कि 5G रोल आउट जो है वो भी इंडिया की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अभी हमको अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो मतलब अफोर्डेबल 5G प्लान्स की दोस्तों बातें कर रहे हैं, तो मतलब देखते हैं वैसे यार कि जब हमको 5G का मजा मिलता है इंडिया में तो क्या इसके जो प्लान्स हैं वो 4G के अलावा अलग से होते हैं क्या, या फिर सेम रेट्स में हमको 5G डेटा का मजा मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों वैसे अभी टेस्ला के अंदर जो वो वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं ना, जो आप टेस्ला गाड़ी में खेल सकते हैं, अभी दोस्तों यहाँ पे आप गाड़ी, पहले ये था कि जब तक गाड़ी चल रही होगी तो आप गेम्स नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अभी मूविंग कार में भी आप गेम्स खेल सकते हैं। तो यार ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है शायद, बिकॉज यू नो ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन होगा, बेशक आप ड्राइव कर रहे हैं कोई और पास में गेम खेला, लेकिन गेम आपके सामने चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है। देखते हैं वैसे कि आगे कैसा क्या रहता है सीन पूरा इसी गेमिंग का टेस्ला कार्स में। हमारे पास में वैसे अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टेस्ट कर रहा है नोटपैड को डार्क मोड के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों इसमें काफ़ी मल्टी लेवल अंडू फीचर्स वगैरह भी होंगे विंडोज 11 में। मतलब नोटपैड और वर्ड पैड वगैरह हम पहले बहुत यूज़ करते थे यार, अब तो खैर वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट वगैरह होता है, लेकिन हाँ नोटपैड और वर्ड पैड को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्या आपने किया है?
पेंट वेंट भी यार पहले तो पता नहीं क्या क्या झोपड़ियां बना बना के वो शेप से रंग भर भर के, मतलब वो ब्रश टूल पेन टूल पता नहीं क्या क्या यूज क्या करते थे, आजकल भी करते हैं बट वो मजा बचपन का ही था। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में सेंसर टावर की रिपोर्ट की अगर हम माने तो भैया टिकटॉक जो है वो मोस्ट डाउनलोडेड और हाईएस्ट ग्रोसिंग ऐप है 2021 की। मतलब पता नहीं कितने सारे टिकटॉकर्स को जन्म दे दिया है, टिकटॉकर्स भी शायद जो आबादी है वो सबसे ज्यादा बड़ी है अभी 2018 19 20 21 में ही। इंडिया में तो खैर बैन लगे था 2020 में, लेकिन अभी के लिए दोस्तों ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है टिकटॉक की और काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स लोग कर रहे हैं टिकटॉक ऐप के। यहाँ पे हमारे पास में एप्पल म्यूजिक का जो वॉइस प्लान है यार वो आ सकता है iOS 15.2 के साथ में, और यहाँ पे दोस्तों macOS 12.1 जो है वो भी आ रहा है, जहाँ पे कुछ इश्यूज थे कुछ बग्स थे नए मैकबुक प्रो के उसको फिक्स करने के लिए। तो मतलब अगर आपके पास में नो आईफोन या मैकबुक वगैरह है तो आपको नए वाला अपडेट जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास में मेटा जो है इसने गुड़गांव में दोस्तों अपना ऑफिस सेटअप कर लिया है, और यहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ छोटे बिजनेसेस को दोस्तों ये जो है वो स्केल करने वाला है, और साथ में कुछ 2.5 लाख क्रिएटर जो है उनको भी दोस्तों यहां पे ये ग्रूम करेगा अभी इंडिया के लिए। तो मतलब फेसबुक जो है वो पूरा एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, लेट्स सी आखिर कैसे रहती है पूरी प्लानिंग और मेटा इंडिया में किस तरीके से आगे और अपने आप को एक्सपैंड कर पाता है। हमारे पास में यहां पे दोस्तों वैसे अभी रेडमी नोट 11 4G जो है वो भी इंडिया में लगता है जल्दी लॉन्च होने वाला है, मतलब ये 5G फोन नहीं होगा दोस्तों, ये होगा रेडमी नोट 11 4G और इंडिया में शायद किसी और नाम से भी आ सकता है, नाम चेंज हो जाएगा। बाकी जो प्रो और प्रो प्लस है वो तो वो हाइपर चार्ज और उस नाम से आने वाले हैं, अभी देखते हैं Redmi Note 11 4G आखिर किस नाम से इंडिया में आता है और क्या प्राइस के साथ में फोन इंडिया में लॉन्च होता है। यहां पे यार वैसे अभी रेडमी का स्मार्ट टीवी आ गया है 75 इंचेस का, ये है दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, जो प्राइस है वो है करीब करीब 60,000 रुपए। मतलब टीवी के बारे में यार आपका क्या कहना है कि मतलब क्या आप दोस्तों टीवी जब लेते हैं तो कैन यू ट्रस्ट ऑन यू नो एनी अदर ब्रांड्स अदर देन सैमसंग या सोनी या एलजी, यू नो जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, क्योंकि टीवी खैर बिकते बहुत ज़्यादा भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम रियलमी या रेडमी हो गया शाओमी हो गया, क्या आपको उतना मज़ा मिल पाता है मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे अभी जीमेल में ऑप्शन आ रहा है कि मतलब आप जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं ईमेल्स को रिकॉल करने के लिए, मतलब भेजने के 5 सेकंड के अंदर अंदर या 10 सेकंड या 20 या 30 सेकंड के अंदर, मतलब अगर आपने ईमेल को भेज दिया है तो 30 सेकंड बाद भी आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, ये भी अपडेट आ गया है। तो कभी अगर किसी को गलती वलती हो जाए तो उसको सुधारने का सही मौका है जीमेल में। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे अभी वन प्लस जो है वो एक फिजिकल लॉन्च इवेंट होस्ट कर रहा है 5 जनवरी को CES 2022 के दौरान। अभी यार ये ओमिक्रॉन वाला सीन चल रहा है पूरा का पूरा, तो मतलब अदरवाइज मैं ट्रैवल करता हर बार की तरफ, जानती है वेगस का ट्रिप लगता है जनवरी के महीने में CES के लिए, इस बार शायद मैं स्किप करूँ या क्या पता लास्ट मिनट अगर प्लानिंग तो US चला भी जाऊं, बट फिलहाल के लिए देखते हैं कि वन प्लस क्या लॉन्च कर रहा है 5 जनवरी के अपने इसी नए इवेंट में। यहां पे दोस्तों लास्ट खबर निकल के आती है BGMI को लेके, और आपको दोस्तों मिल रही है BGMI की फ्री टी-शर्ट। मतलब यहां पे दोस्तों आप ये जो पूरा चल रहा है दोस्तों कॉन्टेस्ट पॉप अप पटाखा, इसमें अगर आप हिस्सा लेते हैं और अगर आप पटाखे को पॉप कर देते हैं, मतलब अगर आप दोस्तों अपनी स्किल्स वगैरह दिखाएं और उसके बाद में अगर आप जो है दोस्तों टॉप 100 में आते हैं तो आपको एक ऑफिशियल BGMI टी-शर्ट वगैरह मिल जाएगी। वैसे क्या आप ऐसे ई गेम्स में तरह तरह के जो है अपने कॉन्टेस्ट वगैरह उसमें हिस्सा लेना पसंद करते हैं क्या, मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।